झूलता है कि नहीं अंगिंगरी से, झूलता है कि नहीं, झूलो झूलो, झूल रहा है, झूल रहा है यार, थकरा झूल रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप लोगों को तो थंबनेल देख के पता चल गया आज की ब्लॉग क्या होने वाला है। हाँ गाइस, आज मैं दोबारा डिपू पर आया हूँ और आप लोगों के लिए और एक नया ब्लॉग लेके आया हूँ साथ में। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और हम लोग अभी जिस पार्क के अंदर में जाने वाला हूँ, उस पार्क के अंदर में बहुत कुछ है। उसका अंदर में आपका हॉर्स राइडिंग है, हेलीपैड है, लवर्स पॉइंट है, म्यूजियम है, बहुत कुछ और करके क्या क्या है देखेंगे हम लोग जाने के बाद। तो इसलिए आज की ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग जो कोई चैनल पर नया है सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को हिट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ठीक है, आज की ब्लॉग हम लोग शुरू करते हैं, चलिए। तो गाइस, ये हो गया आपका तारालंग्स का एक नंबर वाला गेट और हम लोग अभी फिलहाल अंदर जाएंगे। आप लोग सोच सकते हैं, आप लोग सोच रहा होगा ये तो हम लोग पहले दिखा होगा ना। हाँ गाइस, पहले देख सकते हैं और उसका वीडियो भी है, वो आपका खाली म्यूजियम का ही होगा। तो दूसरा कुछ उस दिन हम लोग को टाइम नहीं मिला इसलिए आज दोबारा आना पड़ा है और बहुत कुछ उस लिए वो दिखाने के लिए कोशिश करूँगा आप लोगों को, ठीक है। और डिपू का और भी मेरा ब्लॉग है, आप लोग इसका लिंक नीचे तरफ हम दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो गाइस, ये देखिए आपका तारालंगसु का लवर्स पॉइंट। आई लव यू तारालंगसु। तो गाइस, यहाँ से आपका चारों तरफ का नजारा कुछ इस तरह है, देखिए। ये देखिए आपका इको पार्क का मोस्ट ब्यूटीफुल हैंगिंग ब्रिज। आज अभी मैं फिलहाल उसका ऊपर चढ़ने वाला हूँ, कैसा लगता है देखते, और आप लोग बने रहिए, देखिए कैसे एंजॉय लेते हैं, ठीक है, चलिए। तो गाइस देखिए, इसको डर लग रहा है, आगे जाने के लिए डर लग रहा है, देखो ये इतना डरपोक है। स्विमिंग नहीं आता अगर गिर गया ना तो गाइस तो मर जाएगा यार, हम नहीं जाएंगे, आगे जाओ आप जाओ, ठीक है। आप देखो हम कैसे जाने वाला है। झूल रहा है, झूल रहा है यार, थकरा झूल रहा है। चलो आगे चलते हैं गाइस, और क्या-क्या है देखते हैं। तो गाइस देखिए, आपका हैंगिंग ब्रिज से चारों तरफ का नजारा कुछ इस तरह दिखाई देता है, देखिए। बहुत ही खूबसूरत है और एक बहुत ही यूनिक लग रहा है देखने में, देखिए। तो गाइस, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग भी डिपू आने से इस पार्क में आइए और इसका एंजॉय लीजिए, बहुत ही खूबसूरत एक पार्क है। ये देखिए आपका इको पार्क का रेस्टोरेंट और अभी हम लोग फिलहाल इसका अंदर में जाने वाला है और देखते हैं क्या क्या मिलता है, ठीक है, आप लोग बने रहिए, देखिए। ये देखिए अंदर का नजारा कुछ इस तरह है।
तो देखिए वो लोग नाश्ता कर रहा है और वो लोग भी घूमने के लिए आया है। ठीक है, आप लोग बने रहिए, देखते रहिए आगे। और गाइस ये देखिए आपका गार्डन का नज़ारा, यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन भी है, बहुत ही खूबसूरत और देखने में लाजवाब, क्या बोलूँ। कुछ इस तरह का नज़ारा देखिए गाइस। यहाँ पर आप लोगों को बच्चे लोग का पार्क भी है छोटा सा, बच्चे लोग आने से भी फुल मस्त कर सकता है। देखिए और गाइस इस तरफ से देखिए कुछ इस तरह का नजारा। ये जो आप लोग घर दिखाई दे रहे हैं ना, ये तारालंगसू का मतलब जो भी प्रोग्राम होता है, बड़ा बड़ा मिनिस्टर लोग आते हैं तो इधर में रेस करते हैं सब। और इसलिए देखिए आगे और सामने में देखिए वो म्यूजियम भी दिखाई दे रहा है आप लोगों को। थोड़ी देर के बाद उसका भी थोड़ा झलक दिखा दूँगा। और अभी फ़िलहाल में हम लोग हेलीपैड में जाएंगे, उसका नज़ारा दिखेंगे। आप लोग एंड तक बने रहिए और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा एक कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है, चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस देखिए हम लोग हेलीपैड देखने के लिए कहाँ से कहाँ आ चुका हूँ, मतलब हेलीपैड नहीं मिल रहा अभी तक। देखिए पीछे तरफ का रास्ता देखिए, कहाँ से कहाँ आ चुका हूँ पैदल आते 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 आते। देखिए सामने अभी फिलहाल एंट्री गेट दिखाई दे रहा है, फिर भी अभी भी दूर है। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को अच्छा लगने से प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों को और शेयर करना और प्यारा सा एक कमेंट्स कर देना। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और देखिए। आ जाओ, हम लोगों को हेलीपैड मिल चुका है और सामने देखिए ये हो गया आपका हेलीपैड। उसका बाद में और एक है यहाँ पर ही है, तीनों एक साथ इधर पर है। तो गाइस ये हो गया आपका डिपो तारालंगसू का म्यूजियम और यहाँ से आप लोगों को कुछ व्यू दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। और हम लोग फिलहाल इसका अंदर में जाने वाला नहीं हूँ क्योंकि इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए, बाहर से कुछ दिखाने के लिए। तो जो कोई नया है, वीडियो को नहीं देखा है तारालंगसू का म्यूजियम, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आई बटन में भी दे दूँगा, जाके देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, आप लोग देख लेना और प्यारा सा एक कमेंट्स भी कर देना। और ठीक ही देखिए बाहर का कुछ सीन, साइड सीन कुछ इस तरह है। चलिए देखते हैं और आगे क्या क्या मिलता है। ठीक है, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस ये हो गया मेरा पीछे तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है, ये हो गया आपका हॉर्स राइडिंग का स्पॉट। तो अभी तो फिलहाल हॉर्स नहीं है, 4 बजे से शुरू होता है हॉर्स राइडिंग, तो अभी तो फिर बहुत लेट है, तो इसलिए आप लोग इधर में आने से इसका
प्लीज इंजॉय हॉर्स राइडिंग का भी इंजॉय करके जाइए, और अंदर का बहुत और भी बहुत कुछ देखा ही होगा, तो इसका पूरा फैमिली लेके आइए, इसका इंजॉय लीजिए। और तारालांगसु मतलब आपको तो पता ही है, डिपो आने से, तारालांगसु नहीं आने से बहुत कुछ मिस कर सकता है, तो इसलिए आप लोग डिपो आने से इसका तारालांगसु का एक बार विजिट करना, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्या बोलूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा गाइस, और आज की ब्लॉग हम यहीं पर एंड करेंगे, और अगले वीडियो पर फिर मिलेंगे। और ब्लॉग अच्छा लगने से प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो कि नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।